यह 1:30 बजे से प्रारंभ होगा और 4 बजे तक चलेगा। सुबेरे जो होता था रक्षाबंधन, वो 1 बजे के बाद होगा। भद्रा में कोई भी कार्य जो होता है वो सफल नहीं होता है, शुभ नहीं होता, अशुभ हो जाता है। ये रक्षाबंधन बहुत महत्वपूर्ण पर्व है और विशेषकर भाई और बहन का ये पर्व है। और इसमें जैन बंधु बलि राजा दानवेंद्रो महाबलय तेन त्वाम प्रतिबद्धनामी वंदे माचल माचल है। जिस प्रकार से यह मंत्र के द्वारा रक्षाबंधन बांधा जाता है, विशेषकर बहन और भाई का यह संबंध है। इस वर्ष का रक्षाबंधन जो है भद्रा होने के कारण से यह 1:30 बजे से प्रारंभ होगा और 4 बजे तक चलेगा। इसलिए इस वर्ष का पर्व सुबेरे जो होता था रक्षाबंधन, वो 1 बजे के बाद होगा, क्योंकि भद्रा में कोई भी कार्य जो होता है वो सफल नहीं होता है, शुभ नहीं होता, अशुभ हो जाता है। तो देख करके कि अशुभ न हो जाए, भाई बहन के जो संबंध होते हैं वो ऐसा न हो जाए, इसलिए जो समय है उस समय पर ही इसको भद्रा के समाप्ति पर यह जो रक्षाबंधन है इसको प्रारंभ किया जाएगा। हमारे यहाँ भगवान श्री राम लला को भी प्रतिवर्ष रक्षाबंधन आता है, बाहर से आता है। इस वर्ष जो आया है वो श्रृंगी ऋषि आश्रम से, जहाँ यह ज्ञात है कि श्रृंगी ऋषि ही वशिष्ठ बुलावा पुत्र काम सौजग करावा, उन्होंने वशिष्ठ जी बुलाए थे और भगवान श्री राम के प्रकट होने के लिए, पुत्र के रूप में आने के लिए इन्होंने जग कराया था महाराज दशरथ के द्वारा। तो उसके उसी ऋषि को, अपनी पुत्री को इन्होंने शादी कर दिया जो राम से पहले पैदा हुई थी, और जिनका नाम था शांता। तो शांता का द्वारा वहाँ भेजा हुआ इस समय बहुत से सामग्री आए हैं और बहुत कुछ से उनके लिए उपहार आया है। और इसको जो है हम 1:30 बजे ले जा करके और रामलला को, चारों भाइयों को ये राखी बांधेंगे, और उसके बाद में यह जो सामान है उसको वितरण किया जाएगा और साथ साथ उनको माला फूल जो है उससे सजाया जाएगा। ये इस प्रकार का इस वर्ष का जो रक्षाबंधन है बहुत अच्छा है, बहुत मधुर है। नया मंदिर और नई व्यवस्था और नए ढंग से सारे कार्य हो रहे हैं। जब से प्राण प्रतिष्ठा हुई है तब से लोगों का बहुत उत्साह बढ़ा है, और वही उत्साह में इस वर्ष का जो यह राखी है, रक्षाबंधन है, वो बहुत उत्साह के साथ मनाया जा रहा है रामलला के दरबार में।